बैक टू अनदर वीडियो। आपका आज की वीडियो में स्वागत है। आज जो वीडियो हम लेकर आए हैं उसकी रिक्वेस्ट जिन्होंने हमसे की थी, आई एम रियली सॉरी, मैं उनका नाम भूल गई, बट वीडियो का टाइटल है इंडिया मेगा अंडरग्राउंड मेट्रो प्रोजेक्ट। और वीडियो देखने से पहले मैं यहाँ पर थैंक यू बोलना चाहूंगी शोभा मासी को, जो कि मुंबई से है। उन्होंने कल हमें बहुत अच्छी ईमेल लिखी। शी इज 58 इयर्स ओल्ड एंड शी सेड कि यू कैन कॉल मी मासी, मतलब माँ जैसी। एंड थैंक यू सो मच कि आपने इतना कीमती वक्त निकाल कर इतना प्यार भरा मैसेज भेजती हैं। थैंक यू सो मच। और इसके साथ साथ मैं यहाँ पर मैसेज देना चाहूंगी प्रतीक को, जो कि काफी टाइम से एक वीडियो की रिक्वेस्ट कर रहे हैं। तो मैं उन्हें बोलना चाहूंगी कि जो वीडियो की रिक्वेस्ट आप कर रहे हैं उनके जो कंटेंट क्रिएटर हैं वो हमें अलाउ नहीं करते, तो अगर आप इजाजत ले सकते हैं तो डेफिनेटली फिर हम लोग उस पर रिएक्ट करेंगे। वेल, इसी के साथ बढ़ते हम आज की वीडियो की तरफ। लेकिन उससे पहले इस वीडियो चैनल का ओरिजिनल लिंक जो है आपको हमारी वीडियो की डिस्क्रिप्शन मिल जाएगा। सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और फॉलो करें इनके चैनल को। उसके अलावा मैं व्लॉगिंग चैनल का लिंक और इंस्टाग्राम का लिंक भी हमारी वीडियो की डिस्क्रिप्शन मिल जाएगा। सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और फॉलो करें। तो चलिए देख लेते हैं वीडियो। पानी के नीचे हाँ लग रहा है कुछ इसी तरह। The first underground metro line in Mumbai. छोटा प्रोजेक्ट है ना, अगर ऐसे वाला पानी ये नीचे मतलब समंदर में गिरोगा। रॉक्स है सारी हाँ है तो, बट मुझे भी ये थोड़ा
समझ नहीं लग रही ना। मुंबई की तो इससे पहले जो है मुंबई में ट्रांसपोर्टेशन की बात करें तो काफी ज्यादा जो है वहां पे सुविधाएं हैं जो हमें जो है जो हमने वीडियोस में देखा है या हमने जो है मूवीज में देखा है तो उससे ये लगता है कि मुंबई में ट्रांसपोर्ट बहुत ज्यादा, क्योंकि मेट्रो ट्रेन्स, मेट्रो रेल्स, मोनो रेल भी हमने देखी थी, याद है। मैं तो बोलूंगी कि मुंबई की अगर हम लोग स्टेशन की, रेलवे स्टेशन की बात करें, वहां पर इतनी ज्यादा ट्रेन्स चलती हैं, लोकल ट्रेन्स इतनी ज्यादा चलती हैं, बिल्कुल लोकल ट्रेन्स बहुत ज्यादा है, ट्रांसपोर्टेशन बहुत इजी है और सस्ता भी है, बिल्कुल। लेकिन अगर बात करें ना उसके अलावा भी ऑफ कोर्स पूरे शहर को एक दूसरे से कनेक्ट करने के लिए जो है चाहिए होती हैं काफी सारी सुविधाएं। तो अगर मेट्रो रेल 3 की बात करें, जिसे रीनेम किया गया था दोबारा एक्वा लाइन के नाम से, वैसे हमने काफी ज्यादा रिसर्च करने की कोशिश की कि इसे एक्वा लाइन क्यों कहा गया, क्योंकि मोस्टली एक्वा लाइन उसे ही बोला जाता है या तो किसी नदी के नीचे से गुजर रही हो या किसी दरिया के नीचे से या समंदर के नीचे से उन्होंने गुजारी हो, तो फिर लेकिन मे बी जैसे कोलकाता में आई थिंक ऐसी कोई एक मेट्रो ट्रेन बन रही है, जो कि मतलब अंडरग्राउंड पानी के नीचे से, और मतलब दोनों साइडों पर पानी, मुझे लगा कि शायद ये उसी तरीके की होगी क्योंकि मुंबई में बहुत ज्यादा पानी है, समंदर में मानसून है तो आजकल तो बहुत ज्यादा होगा, बट ये कि बल्कि मानसून में आपको अगर पता हो तो फ्लड आया था पिछले दिनों, बिल्कुल वाकई में बहुत बुरा है, एकदम से पानी आया और मैं हैरान हुई लोग, और मैंने मतलब वहां पर रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि जब वहां पर वार्निंग दी जाती है कि यहाँ से उठ जाए तो उठ जाना चाहिए। 46 इयर्स के बाद वहाँ पे इतना ज्यादा हुआ, अच्छा? तो हाँ 46 मैं पढ़ रहा था ना उसमें, तो 46 ईयर बाद वहाँ मुंबई में इतनी ज्यादा बारिश हुई कि फ्लड वाली सिचुएशन वहाँ पे पैदा हो गई थी। तो वैसे अगर बात करें इस मेट्रो ट्रेन की, तो जब ये बन के तैयार हो जाएगी तो जिस तरह उसका 3D मॉडल बना हुआ है काफी खूबसूरत लग रही है और जिस तरह उस पर काम किया जा रहा है, मैं कहता हूँ कि लेटेस्ट टेक्नोलॉजी उसमें इस्तेमाल की जा रही है, क्योंकि
अगर बात करें तो बोरिंग जो मशीन है, वैसे मुझे तो पहाड़ लगे कि वो किसी जमाने में पहाड़ होंगे तो काट काट के वो बिल्कुल ही फ्लैट हो गए होंगे, क्योंकि मोस्टली इस तरह होता भी है ना लोग मुंबई वैसे भी आइलैंड्स पे बना है ना, तो मे बी हो सकता है क्योंकि नीचे जो है वो रॉक्स सारी जो है रॉक्स और जो है सैंड टाइप जो है वो सारा जो है व्यू दे रहा था। बट मैं ये बोलूंगी कि हम लोग जितने भी प्रोजेक्ट्स देखते हैं वो एक से बढ़कर एक होते हैं और बिल्कुल यूनिक होते हैं। जैसे कि अभी मतलब इसमें जो सिग्नल्स वाला था एक, जैसे आगे पीछे ट्रेन्स आ रही हैं और उनको सिग्नल और दोनों का एक दूसरे के साथ कांटेक्ट होगा, वो चीज भी मुझे बिल्कुल आपको बताता जाएगा कि अगली ट्रेन इतनी स्पीड पे जा रही है आपसे इतने फासले पे, इसलिए ऐसा ब्रेकिंग सिस्टम में काफी ज्यादा उन्हें हेल्प मिल जाएगी। एक और चीज ये कि रिस्क भी इस तरह से यू नो मतलब अगर कुछ भी हो सकता है तो उस चीज का भी रिस्क जो है वो कम हो जाता है। अभी मुझे अच्छी तरह याद है मैंने बहुत देर पहले एक डॉक्यूमेंट्री देखी थी आज से तकरीबन कोई 7-8 साल पहले, तब जो है वो इंडियन रेलवे पे ही बनी हुई थी, तो इंडियन रेलवे में उन्होंने एक सिस्टम लगाया था कि अगर आगे से एक ट्रेन जो है वो लाइन पे रुक गई है, इंजन खराब हो गया, किसी भी टेक्निकल इशू की वजह से वो खड़ी हो चुकी है वहां पे और पीछे से ट्रेन आ रही है और वो सिग्नल काट आई है या उसे पता नहीं चला, तो उन्होंने बीच में जो इंजन है उसके ऐसा ट्रैकर फिट किया हुआ है कि वो ऑटोमेटिकली इंजन जो है वो इमरजेंसी ब्रेक अप्लाई कर देगा बजाय के जाके लग जाए। ये मैंने काफी देर पहले इससे हादसा हाँ कम हो जाते हैं, ये मैंने काफी देर पहले जो है ना एक डॉक्यूमेंट्री नेशनल ज्योग्राफिक में लगी थी। पता है कि इंडिया का जो रेलवे नेटवर्क है वो बहुत ही एडवांस है, लेकिन ये कि जो अभी आज हमने प्रोजेक्ट देखा है इससे रिलेटेड हमने कुछ रिसर्च निकाली है तो वो हम आपके साथ शेयर करेंगे। बिल्कुल, सबसे पहले जो सबसे पहली इन्फॉर्मेशन वो ये है कि 33.5 किलोमीटर लॉन्ग ये कॉरिडोर है जो कि 6 बिजनेस डिस्ट्रिक्ट, 30 एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन, 30 रिक्रिएशनल फैसिलिटीज एंड डोमेस्टिक एज वेल एज इंटरनेशनल एयरपोर्ट टर्मिनल को भी ये कनेक्ट करेगा और इसमें टोटल 27 स्टेशन होंगे जिनमें से 26 अंडरग्राउंड होंगे और 1 एट ग्रेड, आई थिंक वो मेरा हाल में ऊपर होगा। बिल्कुल, ना, या तो जमीन के लेवल पे होगा या ऊपर होगा। कोलाबा बांद्रा बिल्कुल कॉरिडोर बिल्कुल। और अगर थर्ड की बात करें जो हमने इसमें देखी वो है कि 6 जो सेंट्रल बिजनेस डिस्ट्रिक्ट हैं जो इसके थ्रू कनेक्ट किए जाएंगे और जो कि मेन प्रोजेक्ट जो है वो इसी वजह से है वो है कफ ब्रेड, ये हमने उस पे भी लिखा हुआ देखा था वीडियो में, उसके बाद बांद्रा कोरला कॉम्प्लेक्स, देन कोलाबा, MIDC, वर्ली और सीपीज, और इसके अलावा जो टोटल कॉस्ट है इस प्रोजेक्ट की वो है 23,136 करोड़। अगर इंडियन प्रोजेक्ट की बात करें तो सीरियसली 1,000 करोड़ में जो है उनकी कीमत होती है। वही हम इसे पहले जो है जब मूवीज देखते थे उसमें इतनी बड़ी बड़ी अमाउंट्स बताते थे तब तो बस 100 करोड़ की बात होती थी, हमें लगता था इतनी कहां होते होंगे, कहां होते हैं, 1,000 करोड़ की बात देखते हैं। बिल्कुल, और अगर इस प्रोजेक्ट की बात की जाए तो ये पार्शली जो है फंडेड किया गया है JICA की तरफ से जो कि जापान इंटरनेशनल कॉरपोरेशन एजेंसी है और ये एक सॉफ्ट लोन है 13,235 करोड़ का जो कि इसमें जो पार्शली जो बाकी की फंडिंग है वो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया और गवर्नमेंट ऑफ मुंबई जो है वो करेंगे। और ये प्रोजेक्ट अपने आप में एक चैलेंज है क्योंकि इसमें कंस्ट्रक्शन की गई है टनल्स की और अंडरग्राउंड स्टेशन की और जो मेथड यूज किया गया है इन टनल्स को और अंडरग्राउंड स्टेशन को बनाने के लिए उसको न्यू ऑस्ट्रियन टनलिंग मेथड भी बोला जाता है और TBMs भी बोला जाता है जो कि वीडियो में भी हम लोगों ने देखा जिसको टनल बोरिंग मशीन्स यानी टनल बोरिंग मशीन के थ्रू जो है ये जो है बोर की जाती है। बिल्कुल गोल गोल ऐसे घूम रही थी। और अगर बात करें MML3 यानी कि मुंबई मेट्रो लाइन 3 की तो ये 100% इलेक्ट्रिसिटी पे चलेगी और जो है इस इको फ्रेंडली भी इसमें कहा गया था तो उसकी रीजन ये कि ये जीरो कार्बन एमिशन जो होगी। बिल्कुल, और कैपेसिटी की अगर हम बात करें तो वीडियो में तो 3000 पैसेंजर्स की कैपेसिटी बताया था लेकिन इसमें जो हम लोगों ने देखा उसमें 2500 पैसेंजर्स की कैपेसिटी है और ये जो है 25 किलोवाट जो है इसकी AC ट्रैक्शन जो है वो इसमें जनरेटर होगा, ब्रेकिंग सिस्टम भी जो है इसमें जो है इस्तेमाल किया जाएगा इसी के थ्रू और जो है ये जो है पर एनम 50 करोड़ रुपया जो है सेव करेगी और इससे जो है 8 करोड़ किलोवाट की जो इलेक्ट्रिसिटी जनरेट होगी उसे दूसरे जो मेट्रो स्टेशन है उसमें भी इस्तेमाल किया जाएगा। Okay, और अगर हम इसकी डिजाइन स्पीड की बात करें तो वो 90 किलोमीटर पर आवर्स है जबकि इसकी कमर्शियल स्पीड की बात करें तो वो 35 किलोमीटर पर आवर्स है। बिल्कुल, और अगर स्टेशन की बात करें तो वो जो है जैसे हर मेट्रो स्टेशन पे कोशिश की जाती है जो बुजुर्ग
बुजुर्ग शहरी हैं उनके लिए एक्सीलेटर्स और लिफ्ट वगैरह का इंतजाम किया जाए तो वो भी इस पे जरूर होंगी। और प्लेटफॉर्म स्क्रीन डोर जो उनसे हैं वो भी इंस्टॉल किए जाएंगे ताकि कोई भी एक्सीडेंटल चीज होने से बचत हो जाए। यानी कि जैसे लोग जो है वो पटरियों पे जाने की कोशिश करते हैं, यू नो हमारे यहाँ पे लोगों को जरा कोशिश होती है कि हम पटरियों पे जरा जाके देखें हमें कैसा महसूस होता है, तो वो चीज के लिए। और अगर बात की जाए तो ऑटोमेटिक फेयर कलेक्शन सिस्टम और कॉन्टेक्टलेस कार्ड जो है यूज किया जाएगा ताकि जो है करप्शन जो है वो बिल्कुल ना हो और रेवेन्यू जो आना है उसमें बिल्कुल भी लॉस ना हो। मुझे याद है कि हम लोगों ने जो एक और मेट्रो देखी थी पिंक वाली जो दिल्ली में थी उसमें भी कार्ड वाला ही सिस्टम था बिल्कुल। और फिर इसके अलावा अगर हम बात करें कि इसकी सुविधाएं क्या क्या है तो उसमें क्या है मौजूद, उसमें यह है कि जो ट्रेन की टाइमिंग है वो 100% एक्यूरेट होंगी, कोशिश की जाएगी कि बिल्कुल भी लेट ना हो अपने टाइम से। फिर उसके अलावा है कि वुमेन सेफ्टी एंड सिक्योरिटी का कम्प्लीटली ध्यान रखा जाएगा। फिर उसके बाद फुली एयर कंडीशन स्टेशन होंगे और फुली एयर कंडीशन ट्रेन भी होंगी और स्मार्ट नेविगेशन भी होगी। फिर फर्स्ट एड रूम्स भी होंगे और इसके अलावा व्हील चेयर फॉर हैंडीकैप्ड एंड सीनियर सिटीजन के लिए बिल्कुल, और सेंट्रलाइज कंट्रोल होगा ट्रेन ऑपरेशन के लिए, जो की बहुत अच्छी चीज है। हर ट्रेन पे नजर रहेगी कि कौन सी कहाँ पे है कौन सी कहाँ पे है। 24/7 सीसीटीवी सर्विलेंस भी होगी और एक और चीज जो बहुत जरूरी है इमरजेंसी इवैक्यूएशन भी होगी ताकि क्योंकि इमरजेंसी पड़ गई है तो लोग वहां से एग्जिट ले सकें। वेल इस प्रोजेक्ट से रिलेटेड अगर आपके पास और कोई इन्फॉर्मेशन है तो हमें जरूर बताइएगा और प्लीज ये जरूर बताइएगा कि इसको एक्वा लाइन क्यों बोलते हैं, क्योंकि मेरी सुई अभी भी वहां पर अटकी हुई है कि हो सकता है क्योंकि मैं इसलिए सोच रही हूँ कि मे बी हम लोगों को कुछ समझ ऐसा ना आया हो और आप हमें अच्छे तरीके से वो चीज एक्सप्लेन कर दें। वेल ये तो थी हमारी आज की वीडियो, होपफुली आपको अच्छी लगी होगी। बहुत ही यूनिक बहुत ही डिफरेंट एक प्रोजेक्ट है और मुंबई के लोगों के लिए आई थिंक ये एक और इंटरेस्टिंग जर्नी हो जाएगी जब वो जब ये इसको इस्तेमाल में लेकर आएंगे। वेल इसी के साथ हमारी वीडियोस लाइक हमारे चैनल सब्सक्राइब एंड कीप अस इन योर प्रेयर्स। गुड बाय।